नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल साहिल सेवादार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने ही गांव की, बुद्धी गांव की, जो कि जम्मू में है, जिला कठुआ, बरलाग बरनोटी और पंचायत बुद्धी। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने गांव का दृश्य कि मेरे गांव में क्या क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ पर है। ऐसे तो मुझे मेरे अपने गांव पे गर्व है, पर आप लोगों को भी मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरा गांव कितना महान है और जहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ग्राउंड है, हॉस्पिटल्स हैं, मंदिर हैं। मंदिर मेरे ख्याल में जितने हमारे गांव में हैं वो शायद किसी गांव में नहीं होंगे, जहाँ पे हर चीज़ का मंदिर है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। नमस्कार। शायद इतना मुझे नहीं पता होगा अपने गांव के बारे में, जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं कि वो कितनी पुरानी हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने जो है इनको कैसे बचा के रखा है। तो मैं बात करने जा रहा हूं आज डॉक्टर रामेश्वर जी से कि उनसे पूछते हैं, जो जहां पर अपने ही गांव में पतंजलि की दुकान भी चलाते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे गाँव के रिटायर्ड डॉक्टर रामेश्वर जी, जो कि मेरे गाँव में ही पतंजलि की दुकान चलाते हैं और साथ में लोगों की सेवा जो है वो जारी रखते हैं योग में। तो योग जो है वो जो सिखाते हैं फ्री में। आपने अक्सर शहरों में देखा होगा कि लोग योग सिखाने वाले को घर बुलाकर फीस देकर योग सीखते हैं और जहां पर ये हैं वो फ्री योग करवाते हैं सुबह। तो हम बात करेंगे आपसे कि जो हमारे बुद्धि गाँव में रौनक है जो वो लगी रहती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि बुद्धि गाँव का बिहार जो है ये आज से कोई 40 साल पहले की बात है। गांव के लोग बोले कि हमें बिहार के लिए थोड़ी जगह चाहिए। उसी दौरान स्कूल के लिए एक बिल्डिंग फंड आया था और उसमें उस समय के जो सीईओ थे वो कहने लगे कि हम आपको 32,000 देंगे लेकिन 8,000 आपको गांव वाले बालों से इकट्ठा करें। तो गांव की कंडीशन इतनी अच्छी तो नहीं थी लोगों, क्योंकि उस समय पैसा बहुत कम था, पैसा था ही लोगों के पास। तो उस समय ये बिहार जो है, ये बिहार की जगह कुछ मालकी में आती थी, तो उन्होंने ये एक हज़ार से एक दुकान की जगह दे दी और 8,000 उस समय इकट्ठा किया। दुकानें हमारी इकट्ठी बन गई
उससे बाजार की रौनक थोड़ी बढ़ गई। आस्ता आस्ता बाजार बढ़ता गया और अब एक कस्बे के तौर पे, बहुत बड़ा कस्बा जिसे बोलते हैं, वो बुद्धि गांव बन गया है। और रौनक इतनी है कि शाम को बहुत बड़ा बाजार लगता है जी जी, और लोग वहाँ आनंद भी लेते हैं। अगर हम देखे जाए कि जैसे आपके यहाँ पे सद्दा वगैरह होते हैं, रामलीला होती है, उससे भी काफ़ी रौनक जो लगी रहती है। जो जहाँ की रामलीला है बुद्धि की, वो कब से शुरू हुई थी? रामलीला जो मैंने सुना है वो है 1934 से पहली बार जहाँ रामलीला हुई जी। और वो हमारा तालाब के पास जो चौक है हमारा बुद्धि का मेन चौक, मेन चौक पंचायत घर के आगे, वहाँ शुरू हुई, वहाँ नहीं शुरू वो हुई थी। ये झैलदार जी के घर के पास एक चगान हुआ करता था जी, वहाँ उस चगान में हुई। और राजदारी जो होते हैं ना वो बुलाए गए थे पहली बार, उन्होंने वहाँ रामलीला की। बस वो हर साल आते रहे। उसके बाद हमारे लड़के जो थे यहाँ के गांव के, वो पार्ट प्ले करने लगे। वो हमारे जो बुजुर्ग थे वो पार्ट प्ले करते थे, बड़े बड़े अच्छे पार्ट किए उन्होंने। उसके बाद आस्ता आस्ता इन्होंने राजदारी बनाना बंद कर दिया और ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहे। तो उसके बाद 71 में हमने भी क्लब में एंट्री मारी और तभी से हम चला रहे हैं यहाँ। तो ऐसा है, सबका सहयोग होता है और ख़ासकर हमारे सहल जी का भी सहयोग उसमें काफ़ी है जी। वो कॉमेडियन रोल जितने भी हैं वो बहुत अच्छे करते हैं और ये हमारे मेन एक्टर हैं वहाँ के। और क्या कहेंगे अपने बारे में, आप क्या कहेंगे गांव के लिए? ऐसा है जी, हर समय हम यही सोचते हैं कि लोग गांव के इतने अच्छे हों, जिनका स्वभाव देख, हमारे गांव को ठंडा ग्राम कहते थे। और ठंडा ग्राम इसलिए कहते थे कि हमारे लोगों के जो स्वभाव थे इतने ठंडे थे, इतने शीतल थे कि कहते हैं कि वो कोई बात करते थे बड़ी दूरंदेशी की बात होती थी उनकी, और सारे लोग हैरान रहते थे यार इतना अच्छे विचार हैं इनके। तो मैं चाहता हूँ कि हर गांव के हमारा हर बच्चा उसी स्वभाव से चलता रहे और हमारा गांव ठंडा बना रहे, हमारे गांव का शीतलपन जो है वो जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर गाँववासी हमारा हर चीज़ में सम्पन्न हो। मैंने 1999 से मैंने योग शुरू किया था। रामदेव जी को मैंने टीवी में देखा था पहली बार और तभी से मैंने योग अपनाया। और कुदरत की मर्ज़ी से 2008 में उनसे मुलाकात हुई, तभी से उनके साथ जुड़े हुए हैं और योग पूरा करते हैं। खुद को तो स्वस्थ रखा है, मैं चाहता हूँ कि हर गाँववासी स्वस्थ हो और दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। कोशिश करो कि योग से ही अपने आप को ठीक करें। लेकिन लोग हैं, लोग आज भी यही कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ये बात नहीं है, अभी आप दवाई दे दो बाद में योग करें। वो बाद का समय वो आता नहीं, और जो बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोगों ने उसको अपनाया, और जो लोग अपना रहे हैं वो स्वस्थ हैं और फिट। अक्सर देखा गया है कि शहरों में लोग जो हैं अपने घरों में बुलाकर जो सिखाने वालों को फीस देते हैं, क्या आप भी ऐसा करते हैं? कभी मन में आया नहीं ऐसा, और ना ही ऐसे विचार हैं कि मैं किसी से फीस लेकर योग सिखाऊं। मैं चाहता हूं लोग फ्री में योग सीखें लेकिन स्वस्थ रहें। मुझे उसी में प्रसन्नता होती है कि हमारे गांव में हमारे गांव के लोग स्वस्थ हों, और फ्री में अगर हो जाए तो मैं चाहता हूं मुझे इससे बड़ी नेमत कोई नहीं होती और मैं उससे बड़ा चाहता भी नहीं। पैसा तो सब ऐसा हर जगह काम नहीं आता, तो इसलिए मेरी सोच अलग है। मेरी सोच से कोई चले तो वो अलग सोच है, लेकिन काफ़ी लोग हैं वो वही कहते हैं नहीं मेडिसिन खाना ही अच्छी बात है।
तो आपने देख ही लिया कि डॉक्टर रामेश्वर जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने पूरा ही डिटेल आपको अपने ग्राम की जो है वो बता दी है और अपने बारे में बता दिया है। तो गाइस वीडियो आपने देख ली होगी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कैसा रहा मेरा गांव। फिर लौटूंगा मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।